वो मैं आप लोग को आज बताऊंगा सिर्फ 19 mm का प्राइस है। 19 mm मतलब कि 5354643737484 इन सभी का प्राइस बताने वाला हूँ आप लोग को, वो भी 19 mm का यार। और ये प्लाई कहाँ कहाँ पे यूज होता है वो भी बताने वाला हूँ थारी को यार। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, तब थारी को पता चलेगा ए टू जेड फूड आया। हेलो कैसे यार, मैं फिर से एक बार आया कुछ नया वीडियो लाइक कर यार। आप लोग ने कई सारा प्लाईवुड का वीडियो देखा यार, तो आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ यार एकदम नागालैंड का नंबर वन प्लाईवुड है ये। आप तो अंगामी प्लाईवुड है इसमें लिखा हुआ है, और ये एक्चुअल में 19 mm का है। तो ये जो अंगामी प्लाईवुड है मतलब नागालैंड में बहुत चलता है, यानी नागालैंड का नंबर वन प्लाईवुड है दोस्तों। ये बाहर देशों में भी चलता है, जैसे दिल्ली, मुंबई, असम हो गया, ये इन जगहों पे मतलब बहुत चलता है यार। और ये जो साइज़ है एक्चुअल में 7x3, इसका साइज़ ये लंबा हो गया 7 हो गया और चौड़ा हो गया 3 feet यार। तो मतलब इसमें बहुत सारा अलग अलग साइज़ आता है। तो 19 mm कुछ इस तरह से दिखता है यार, मतलब इसमें लकड़ी घुसा हुआ रहता है, और 18 mm का मतलब कि एक कपड़ में एक चिपका हुआ रहता है यार। आप लोगों को बताओ, कई सारा वीडियो ने आप लोग ने देख लिया होगा, तो इस तरह से रहता है 18 mm, इसको 18 mm बोलते हैं। तो आप लोग को और एक चीज़ आप लोग को बताना चाहता हूँ यार, तो आप लोग अगर अपना घर में या अपना बिस्ना में यार प्लाई लगाना चाहते हो यार, तो आप लोग को नहीं पता कि कौन सा वाला साइज़ प्लाई लगेगा यार। जैसे सीलिंग हो गया और जैसे आप लोग का पलंग वगैरह हो गया यार, तो आप लोग ने बना दिया, आप लोग को नहीं पता कि कौन सा वाला साइज़ लगेगा, कौन सा वाला mm आप लोग को लगेगा उस जगह में लगाने के लिए। तो इसके लिए एक बेस्ट तरीका है, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों। तो मैं आप लोग को रिप्लाई में बता दूंगा कि भाई ये साइज़ लगाओ अच्छा रहेगा। और आप लोग मान लीजिए आप लोग सीलिंग में लगा रहे हो प्लाई यार, तो सीलिंग में एक्चुअली जो प्लाई लगता है 4 mm या 6 mm लगता है यार। तो बाकी आप लोग ऊपर में डिपेंड करता है, 4 mm थोड़ा पतला रहता है और 6 mm थोड़ा मोटा रहता है यार। आप लोग का बजट अगर ज़्यादा है तो 6 mm लगाइए, और कमती है तो 4 mm लगाइए। और मान लीजिए आप लोग ऊपर में सीलिंग लगा रहे हो, सीलिंग में प्लाई लगा रहे हो दोस्तों, तो आप लोग को नहीं पता कि एक सीलिंग में मतलब कितना पीस प्लाई जाएगा यार। तो इसके लिए आप मेरे को सिर्फ मतलब कि आप लोग का जो सीलिंग का साइज़ है, साइज़ मेरे को यार कमेंट बॉक्स में यार लेकर भेज देना, मैं आप लोग को बता दूंगा कि कितना पीस लगेगा यार। और भी बहुत सारा मतलब जानकारी है जो जो आप लोग को नहीं पता है दोस्तों, आप लोग सिर्फ मेरे को एक बार कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई झटाक से दे दूंगा यार। तो प्लाई में एक्चुअली अलग अलग साइज़ बहुत आता है, मैं आप लोग को बता देता हूँ। पिछला वीडियो में भी आप लोग को मैंने बताया था यार कितना कितना साइज़ आता है वगैरह, तो मैं इस बार बताऊँगा दोस्तों। तो भाई लोग एक्चुअली में जो प्लाई आता है ना यार, प्लाई में मतलब यार 4 mm आता है, 6 mm आता है, 10 mm आता है, 12 mm आता है, और 18 mm आता है, और 19 mm आता है, मतलब इतना तक ही आता है, मतलब 5-6 mm तक ही आता है प्लाई में। और सबसे जो ज़्यादा चलता है मार्केट में दोस्तों 4 mm, 6 mm, बड़ा mm, मतलब सभी चलता है यार मार्केट में यार। और जिसका जो साइज़ आता है यार, साइज़ में आप लोगों को एक बार थोड़ा बता देता हूँ, साइज़ मतलब कितना से स्टार्टिंग है और कितना से मतलब ख़त्म हो जाता है साइज़। तो साइज़ देखो यार, स्टार्टिंग में आता है 5-3 आएगा, 5-4 आएगा, 6-3 का आएगा, 6-4 का आएगा, 7-3 का आएगा, 7-4 का आएगा, 8-3 का आएगा, 8-4 का आएगा, मतलब इतना तक ही आता है उसका साइज, इससे बड़ा नहीं आता है यार। तो मैं आप लोग को आज बताऊंगा सिर्फ 19 mm का प्राइस है। तो स्क्वायर फीट में एक्चुअल में 58 है, और पर पीस में पूरा गिरता है 1220 रुपये मिलता है आपसे। चलो पहले हम लोग 5-3 से स्टार्ट करते हैं यार। तो इधर में कैलकुलेटर है, इधर से शुरू करेंगे हम लोग यार। तो मारो यार डबो अपना कैलकुलेटर, 5-3 का 5×3 ये साइज़ हो गया दोस्तों, 15 square feet हो गया, ये 58 स्क्वायर फीट का है, तो 870 गिरता है पर पीस का, मतलब 58 है स्क्वायर फीट का, पर स्क्वायर फीट का। तो अभी आएंगे हम लोग 5-4 का यार, तो 5-4 का आ जाऊँ, तो 5-4 में कितना होगा, 20 स्क्वायर फीट हो जाएगा, इनटू मारेंगे 58, तो 5-4 का 1160 रुपीज़ हो गया पर पीस का। अब आते हैं 6-3 का, 6-3 का 18 हो गया स्क्वायर फीट, इनटू 58 1044 हो गया 6-3 का। अब आते हैं 6-4 का, 6×4 = 24 हो गया, इंटू 58 तो 1392 हो गया पर पीस का। और आते हैं 7-3 का आता है, तो 7-3 का 21×58 मानेंगे 1220 रुपये, आप लोग को बताया था मैंने अभी। तो अभी आता है 7-4 का यार, 7×4 = 28 हो गया, ये 58 मारा तो 1620 रुपये हो गया, 1624 रुपीज़ हो गया। अब आते हैं हम लोग का 8-3 का यार, 8×3 हो गया 24×2 मारेंगे 58, तो ये भी 1392 हो गया ये। अब आते हैं नेक्स्ट वाला 8-4, तो 8-4 हो गया 32×2 मार दो 58, तो 1856 हो गया यार पर पीस का, मतलब अलग अलग होता है यार। तो ये जो है ये 7-3 का है, और ये 5-3 का है भाई लोग यार, तो ये भी ये 12 mm का है। चलो कोई बात नहीं, आप लोग को साइज़ दिखा था, तो 5-3 का जो साइज़ है वो इस तरह से दिखेगा हम लोग का 5-3 का साइज़। और ये जो ये आप लोग को दिख रहा हो, ये एक्चुअल में 6-4 का साइज़ है, मतलब 6x4 का है, तो 6x4 का साइज़ कुछ इस तरह से दिखता है हम लोग का।
तो दोस्तों आप लोगों को और एक चीज़ बताना चाहता हूँ यार, जो 19mm का जो प्लाईवुड ईयर है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है आप लोगों को नहीं पता होगा यार, तो वो चीज़ आप लोगों को मैं थोड़ा बता देता हूँ आप लोगों को। जो 19mm का जो प्लाईवुड है यार वो एक्चुअल में ज़्यादा से यूज़ होता है यार दुकान का जो काउंटर होता है काउंटर वगैरह में यूज़ होता है यार, दुकान का जो रैक होता है यार बड़ा बड़ा सामान रखने के लिए रैक वगैरह में यूज़ होता है यार, अलग अलग सामान रखा जाता है यार, तो उसमें 19mm का यूज़ ज़्यादा से होता है। और उसका जो पीछे में यार मतलब प्लाईवुड लगाया जाता है दोस्तों, वॉल होने से तो कोई बात नहीं, प्लाईवुड नहीं चाहिए, अगर वॉल नहीं होगा पीछे में यार रैक का पीछे में तो उसमें मतलब कि 4mm या 6mm का प्लाईवुड लगाई दिया जाता है यार। और ये जो 19mm का जो प्लाईवुड है यार वो एक्चुअल में किचन वगैरह में भी यूज़ होता है, जैसे आप लोग का घर हो गया, घर में यार किचन टेबल हो गया, जैसे गेस्ट टेबल हो गया, उसके बाद में ऊपर में अलमारी हो गया जैसे बर्तन वगैरह रखने के लिए यार, डिब्बा सब रखने के लिए, वो सब में भी यूज़ होता है 19mm का यार। तो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को बताऊँगा यार 4mm 6mm और ये 12mm 18mm कहाँ भी यूज़ होता है यार, तो आप लोग को भी जाने का मन है तो मेरे को एक बार कमेंट कर दीजिए यार, मैं फटाफट वीडियो ला दूंगा यार।